अगली खबर जनपद मैनपुरी से आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मैनपुरी के सैनिक स्कूल के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे। जी हां, इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से 3 नए सैनिक स्कूल बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। जी हां, प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्नाव में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। सरकार की यह जिम्मेदारी है, जो किसान मुआवजा मांग रहे हैं उनको उनका ठीक मुआवजा दे, और अगर सरकार मुआवजा नहीं दे सकती है तो किसानों की जमीन वापस कर दे। जब कोई विकास होता है तो किसान अपनी जमीन देता है, लेकिन किसान को लाठी मारकर आप उनकी जमीन ले रहे हैं और उनको अपमानित करके उनकी जमीन ले रहे हैं। यह कौन सी आपकी संस्कृति है, कौन सा राष्ट्रवाद है कि आप किसान अपना मुआवजा मांगेगा उसको आप लाठी दे देंगे। वहीं राम मंदिर मामले को लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया कि यह बात क्लियर है कि अगर किसी को किसी जजमेंट में अपना पक्ष रखना है तो वह सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि जो अपनी बात है वह रख सकते हैं, यह कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि मैं समझता हूं वह रखेंगे। वहीं अयोध्या के फैसले पर समाजवादी पार्टी का रुख क्या है इसको लेकर उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है तो सबने मान लिया है। वहीं आगरा का नाम बदले जाने की खबरों को लेकर उन्होंने कहा कि कभी यह सरकार नाम बदलती है और कभी नंबर, तो काम कब करेंगे यह तो बताइए। वहीं उन्होंने भाजपा को रंग बदलने वाला बताया। उन्होंने कहा कि ये रंग बदलने वाले लोग, यह अंक बदलने वाले लोग, नाम बदलने वाले लोग काम कब करेंगे यह हमें बताएं। मुझे खुशी है इस बात की, मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी को समाजवादी सरकार में मौका मिला सैनिक स्कूल बनाने का, और मुझे सौभाग्य इस बात का भी मिला, और मैं उस बात के लिए धन्यवाद देता हूं उस समय की कांग्रेस सरकार का, क्योंकि वो कांग्रेस सरकार अपने अमेठी में एक सैनिक स्कूल बनाना चाहते थे। जब मैंने उनसे मांग की कि एक अकेला नहीं बनेगा उत्तर प्रदेश में, दो और सैनिक स्कूल बनेंगे, तब उस समय की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने एक अमेठी के लिए और दो, जिसमें एक मैनपुरी और कन्नौज में बनना था लेकिन मैंने उसको झांसी में दिया। तो मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में 3 नए सैनिक स्कूल बनाने का काम समाजवादी सरकार ने किया। यही बच्चे आने वाले समय में सीमा पर जाकर के देश की रक्षा करने का काम करेंगे। बेहतरीन ट्रेनिंग के साथ पढ़ाई होती है, एक अनुशासन का जीवन जीने का मौका मिलता है, और भविष्य में अनुशासन रहने से ही जीवन अच्छा रहता है। इसलिए एक मौका मिला आज, कई बच्चे जो बिहार के थे, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्से से, उन बच्चों से मिलने का मौका मिला, क्योंकि ये इनकी एनुअल मीट होती है, जो यहाँ के सांसद होते हैं उसके मेंबर हैं। इसलिए नेताजी सांसद हैं, नेताजी और हमने मिलकर के इसको किया था, तो आज पहली मीटिंग थी, इसलिए मैं इस मीटिंग में शामिल होने आया था। जहाँ तक दूसरा सवाल जो नाव का इन्होंने पूछा है, सरकार की जिम्मेदारी है जो किसान मुआवजा मांग रहे हैं उनको ठीक मुआवजा दें, और अगर सरकार मुआवजा नहीं दे सकती है तो किसानों की जमीन वापस कर दें। भैया राम मंदिर का निर्णय आने के बाद मुझे इस बात में कहने में कोई वो नहीं है, क्योंकि याद कीजिए यही सड़क बनी एक्सप्रेसवे, किसानों ने जमीन दी है। कोई विकास होता है किसान की हिस्सेदारी है, किसान अपनी जमीन देता है, लेकिन किसान को लाठी मार के आप ले रहे हैं उसकी जमीन, उसको अपमानित कर करके जमीन ले रहे हैं, ये कौन सी आपकी संस्कृति है, कौन सा राष्ट्रवाद है कि आप अगर किसान अपना मुआवजा मांगेगा सही तो उसको आप लाठी दे देंगे। भैया राम मंदिर का निर्णय आने के बाद कुछ मुस्लिम पक्षकार इसको रिव्यू पटिशन ले जाना चाहते हैं। ये प्रोसीजर है, एक ये प्रोसीजर है कि अगर किसी को किसी जजमेंट्स में कुछ अपना पक्ष रखना है तो ये तो सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि अगर कोई ऐसी बात है तो वो रख सकते हैं आप, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, उन्हें जो शिकायत होगी मैं समझता हूँ वो रखेंगे। आपको क्या लगता है सर कि जिस तरीके से निर्णय आया है उसमें आपका पक्ष क्या है? मेरा लगना क्या है, मेरा लगना क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है सबने मान लिया है, और सुप्रीम कोर्ट के ही व्यवस्था में ये है कि अगर किसी बात को लेकर के आप कुछ अपना सुझाव देना चाहें, किसी फैसले से आपको कुछ अलग पक्ष रखना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट ही मौका देता है। घोटाले पे कुछ बताएंगे? कौन से घोटाले पर? जो भविष्य निधि विद्युत विभाग का घोटाला हुआ है। ये देखिए, आपको इसमें खूब बढ़ चढ़ करके पूछना चाहिए और भाजपाइयों से पूछना चाहिए कि बताओ तुमने कैसा रंग खेला है। नहीं, आपकी सरकार के दौरान सिर्फ देखो पत्रकार साथी, बिना जानकारी के कुछ मत बोला करो या भाजपा का बन के मत बोलिए। सच्चाई अगर जानते हो तो मैं तो कहता
रहा हूँ, अगर आप बुद्धिमान हैं, पत्रकार बुद्धिमान हैं, तो ये निकालिए कि किस किस दिन आरटीजीएस किस किस बैंक में हुए थे। ठीक है, अगर ये नहीं बता सकते हो इसका मतलब तुम भाजपा के कहने से सवाल मुझसे पूछ रहे हो। आगरा का नाम प्रदेश सरकार बदल रही है, उस पर क्या कहना? अरे भाई तुम्हें अपना नाम बदलवाना हो तो एक दरखास्त लिख दो, मुख्यमंत्री जी नाम अच्छा रख देंगे आपके लिए। उसके पहले खराब लग रहा है भैया, नाम खराब हो तो ये सरकार देखो, कभी नंबर बदलते हैं, कभी सरकार नंबर बदलती है, कभी नाम बदलती है। अरे काम कब करोगे ये तो बताओ आप। भैया सरकार के दौरान स्वास्थ्य विभाग की सुविधाएं जनपद में बहुत अच्छी थी। देखिए अभी खबर आई है कि गर्भवती महिलाएं पहुंच नहीं पा रही हैं, हमारी माताएं अस्पताल नहीं पहुंच पा रही हैं, गर्भवती माताओं के लिए गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही हैं, गांव में जो डिमांड कर रहे हैं वो नहीं गाड़ी पहुंच पा रहे हैं। गरीब को याद है 100 नंबर आ रही 112, फ़ोन मिलाओ 100 आ रही 112, क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो फिर कौन सी उपलब्धि है इनकी? ये रंग बदलने वाले लोग, अंक बदलने वाले लोग, नाम बदलने वाले लोग काम कब करेंगे ये हमें बताएं। भैया ये क्षेत्र, ये सड़क फोर लेन, ये सैनिक स्कूल, ये इंजीनियरिंग कॉलेज और मैनपुरी के अंडरग्राउंड बिजली 24 घंटे बिजली, अब याद आ रहा है आपको कि नहीं याद आ रहा? JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।